से उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। इसका केंद्र हिंदू कुश क्षेत्र में जमीन से 156 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है और इसका केंद्र हिंदू कुश बताया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जो केंद्र है वो 156 किलोमीटर नीचे हिंदू कुश में बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि ये इलाका जो है ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है, तो अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। ये भूकंप के झटके 10:17 पर महसूस किए गए और उत्तर भारत समेत पंजाब, हरियाणा, चीन, इसके अलावा अफगानिस्तान में भी तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर घबराकर आ गए थे, क्योंकि ये भूकंप के जो झटके थे वो करीब 3 मिनट तक महसूस किए गए। क्या कुछ कहना है उनका वो आप सुनिए। सभी लोग डर के अभी भाग के नीचे आए हैं। काफी तेज भूकंप का झटका हर फ्लोर पे लोगों ने महसूस किया है और इसीलिए सारे लोग नीचे मैदान में इकट्ठा हो गए। मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपने मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे। अभी पंखे हिले थे बहुत तेज, कम से कम 10-15 मिनट तो लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए थे, फिर बाहर चले गए हम जी। बहुत जबरदस्त झटके थे, हमारे बच्चे सारे बाहर आ गए। जी काफी, मैं इस काउंटर पे बैठी हुई थी और काफी ज्यादा फील हो रहा, मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज है, शायद कुछ ट्रेन निकल रहा है क्या है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन काफी देर तक फील हुआ। तो मैंने उठ के देखा, तब तक सब लोग बाहर भाग रहे थे, तो काफी ज्यादा फील हुआ। हम लोग फिर उठ के सब लोग बाहर भागे। भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए पूरी सोसाइटी में, हम सभी लोग पूरे ग्राउंड में आ चुके हैं और बहुत तेज लगे। पंखा हमारा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने डंडे से हिलाया, पूरा बेड हिलने लगा, पंखे वगैरह सब हिलने लगे, तो हम सब डरने लगे। बाहर से बहुत शोर आया तो पता लगा कि बहुत तेज भूकंप है, काफी देर तक का था। तो हम सब अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से जल्दी जितनी जल्दी हो सके जल्दी नीचे भागे, और अभी तक हम लोग कांप रहे हैं पूरी तरह से।